हैं ये गंगाए। शंकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते इससे, और जो भोग लगेगा वो सीधा प्रसाद आता है श्री शंकर जी को पास में। अरे शंकर जी पाएंगे उसको बाद में सब कुछ मिलता है। जब कोई चीज भगवान को भोग लगे वो प्रसाद है, लेकिन वही प्रसाद जब भगवान के किसी प्यारे भक्तों को भोग लग जाए वो फिर प्रसाद नहीं, उसका नाम महा महाप्रसाद, महा महाप्रसाद है। इसलिए कोई भी चीज होना पहले शंकर जी को नहीं देनी चाहिए, माता देवी को भी नहीं देनी चाहिए, हनुमान जी को भी नहीं देनी चाहिए, हैं? लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, लड्डू बनाते हैं और हनुमान जी को भोग लगाते, सवा मणि के लड्डू कभी उसका मुंह में ठोस देते हैं, हनुमान जी खाओ। क्या हनुमान जी भूखे हैं लड्डू खा लेंगे तुम्हारे? जब राम दरबार होता लगा रहता है हनुमान जी, क्या करोड़ों मन अगर लड्डू दे दो ना हनुमान जी को, एक बूंद भी वो खाने वाले नहीं। क्यों? जब तक प्रभु राम की भोग नहीं लगेगा, जब तक माता जानकी को भोग नहीं लगेगी ना, श्री हनुमान जी कुछ भी ग्रहण करने वाले नहीं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज हो डायरेक्ट कोई चीज हनुमान को भी मत लगाओ, शंकर जी को भी मत भोग लगाओ, माता देवी को भी नहीं, कोई चीज नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले कृष्ण हो, नहीं तो राम हो, नहीं तो नारायण हो, हर चीज पहले इनको भोग लगाओ, फिर इनको बाद में ये प्रसाद फिर सारे देवादेवी को दो, वो बड़ी प्रसन्न होकर के उसको खाते हैं। देखो आपको एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ, ये कथा से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। एक दिन श्री नारद जी, उनको एक कथा सुनने को मिला, बोले भगवान नारायण का प्रसाद अकबर कोई सेवा करे वो व्यक्ति जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। इतने में श्री नारद जी वैकुंठ गए भगवान नारायण से प्रार्थना की प्रसाद। भगवान बोले देखो ये प्रसाद मैं नहीं दे सकता हूँ, ये लक्ष्मी खाना बनाती है, ये मेरे को भोग लगाती, तुम लक्ष्मी को पास में जाओ, वो क्या करते नहीं करते मेरे को पता नहीं। अब उसने लक्ष्मी को पास में गई, लक्ष्मी बोली इतना कष्ट से मैं खाना बनाती हूँ, और भगवान खाने का बाद प्लेट में जो छोड़ देते हैं उसको मैं बीच में खा करके प्राण धारण कर, तू बीच में कहाँ से आ गया, प्रसाद प्रसाद नहीं मिला, भाग जाए यहाँ से। भगा दिया नारद जी को। फिर नारद जी फिर गए प्रभु को पास में, भगवान ने कहा देखो तेरे को एक रास्ता बताऊंगा, कर पाओगे? बोले प्रभु बताओ। बोले मेरे मंदिर को पीछे एक कुआ है, वो ढका हुआ है, उसका ढक्कन को खोलना और उसमें स्नान करना, स्नान करने का बाद बड़ी सुंदर तुम गोपी रूप धारण करोगे, और ये गोपी रूप को लेकर के तुम जाना माता लक्ष्मी को पास में, चरण की इतने सेवा करना, चरण की इतना सेवा करना, लक्ष्मी जैसे कुछ दिए बगैर रह नहीं सकते। फिर जब लक्ष्मी देने के लिए चाहेगी तीन बार उनको कसम खिलाना, फिर जाकर मांगोगे ना प्रसाद मिलेगा, कर सकते हो? बोले प्रभु जरूर मैं कर सकता हूँ। नारद जी हजार साल तक उन्होंने माँ लक्ष्मी की चरण की सेवा की, अब देखना, और इतना सेवा की, क्यों? मतलब निकालना था। अब देखना इसी जगत में जब पत्नी को पति से कुछ मतलब निकालना होता है ना, अब क्या करती है वो, ज्यादा कुछ करती है, अब देखना कुछ ज्यादा करती है। पर पति को पता चलता भैया दाल में जो काला है आज वो इतना क्यों कर रही है, पता चल जाता है। फिर जब खुश हो जाता है ना पति, फिर पत्नी कुछ मांगती है, ऐसे ऐसे चीज है। इसलिए मैया लक्ष्मी इतना संतुष्ट हो गई, बोले बेटा अभी तक तो बहुत सारी दासियां आई हैं, लेकिन तुम्हारी जैसे किसने सेवा नहीं की, बताओ तेरे को क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ। बोले तीन बार कसम खाओ। तीन बार कसम खाए, बोले ठाकुर जी का थोड़ा अधरा मृत प्रसाद दो। लक्ष्मी समझ गई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इतने साल से क्यों सेवा कर रही थी ये, बोले बताओ तुम्हें हे कौन बताओ। तब श्री नारद जी प्रकट हुए, बोले हाँ हजार साल पहले आया था ना तू, बोले हाँ। बोले तेरे को ये रास्ता किसने दिखाया, बोले प्रभु बताए। उन्होंने कसम खा चुके थे, जब भगवान प्रसाद पाए, जो दाल चावल सब्जी को उन्होंने मिला करके उन्होंने थोड़ी सी दिया किसको, श्री नारद जी को। नारद जी थोड़ी सी प्रसाद पाते ही इतने प्रेम में गदगद हो गए, बिना बजात बजाते कीर्तन करते करते पहुंचे कैलाश में। श्री शंकर जी वहां पर तपस्या कर रहे थे, बोले भैया नारद आज इतने आनंद में क्यों नित्य कीर्तन कर रहे हैं। बोले नारद जी क्या बात है, बोले आज हमें भगवान की प्रसाद मिला है। बोले देखो
प्रसाद को अकेला नहीं खानी चाहिए, प्रसाद को बांट कर खानी चाहिए। फिर वैकुंठ जाते हैं, इसलिए मेरे लिए कुछ प्रसाद लाए हो, बोला रहा हजार साल के बाद में माता जी थोड़ी प्रसाद दिए, बोले देखो ना तुम्हारे हाथ में लगा हुआ होगा। सचमुच से उनके हाथ में एक किनका केवल ठाकुर का प्रसाद लगा हुआ था। बोला इतना ही प्रसाद बहुत है। शंकर जी जब खाए ना, उनका शरीर में तो कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ। इतने में शंकर जी और नारद जी दोनों ऐसे नृत्य कर रहे थे, वहां पर माता पार्वती थी। पार्वती ने देखा आज ये इतने क्यों नाच रहे, क्या बात है। बोले प्रभु क्या बात है, आप दोनों आज इतने सुंदर नृत्य क्यों कर रहे हो। बोले ठाकुर जी की प्रसाद मिला। पार्वती बोले मैं आपकी अर्धांगिनी, पति को जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा वो पत्नी की है, मेरे लिए कुछ रखे कि नहीं। बोले अरे नारद जी को हाथ में केवल एक कीड़ी का केवल अन्न लगा हुआ था, बोले जो कुछ मिला नहीं क्यों, उसमें आधा हिस्सा मेरी है, क्यों मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। बोले तो मेरे खा चुकी हूँ, मैं तो खा चुका हूँ। इतने में मैया पार्वती को तो क्रोध आ गया। बोले नारद जी बड़े स्वार्थी बने, भगवान का प्रसाद मिला तो अकेले खाए, फिर मिला शंकर जी को वो भी अकेले खा लिए, और मैं कैलाश में मैं नहीं रहूंगी, ये कैलाश छोड़ करके मैं मरते जगत में श्री जगन्नाथपुरी जाऊंगी। जब जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लगेगा, घर की माँ है ना, माँ क्या करती है, खाना बना कर खुद खाती है ना, क्या माँ खाना बना कर क्या करती है, बच्चों को खिलाएगी, पति को खिलाएगी, फिर लास्ट में जाकर के माँ खाती है, वो माँ है। बोले मैं अकेली नहीं खाऊंगी जगन्नाथ जी का प्रसाद, मैं सारा दुनिया को ये प्रसाद में बांटूंगी। इसलिए सब जगह में देखना प्रसाद, लेकिन जगन्नाथपुरी में प्रसाद कोई नहीं कहते, वो महा महा प्रसाद। बोले क्यों, जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है वो जो मेन जो सोने की प्लेट वो सीधा आएगी माता के पास में, माता विमला है वहां पर, जैसे वाहन पीठ में एक पीठ है वो माता जी के चरण वहां पर गिरा हुआ है, हैं? वो पहले विमला देवी खाएगी, अभी भी वहां पर नियम है। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हो, कौन जगन्नाथपुरी गए है, आप लोग जगन्नाथपुरी गए, अब देखे कि नहीं, ठीक जगन्नाथ मंदिर को आप पीछे देखना, यहाँ श्री विमला देवी है, ये विमला जगन्नाथ की शक्ति है। इसलिए अभी भी वो नियम है, पहले माँ खा करके वहां जितने लोग खड़े हुए होंगे, वो पुजारी को प्रसाद लेकर के, क्योंकि कहते ना जगन्नाथ जी का भात जगत प्रसार हाथ है, जगत प्रसार हाथ, वो जितने लोग वहां पर रहेंगे वो प्रसाद को महाराज ने बोली कि सारा दुनिया को मैं खिलाऊंगी, सबको वो प्रसाद देते हैं। इसलिए ये कथा पुराने में आती है ये कथा, इसलिए कोई भी चीज हो सबसे पहले कृष्ण हो, नहीं तो राम हो, नहीं तो नारायण हो, ये तीनों जो है ये इष्ट है, पहले इनको भोग लगाओ, फिर ये प्रसाद को और जितने देवा देवी है अगर इनको लगाओगे ना वो बड़े प्रसन्न होकर के प्रसाद खाते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्री शंकर जी अभी भी ये नंदगांव में सबसे पहले शंकर जी हैं, प्रभु का प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद, फिर वो प्रसाद को सारे भक्त लोग भाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भोले बाबा की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्णा धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोले कृष्णा कितने बड़े हो गए, बोले कृष्णा अभी 3 महीना के हो गए। अब देखना बच्चा जब 3 महीना का हो जाए ना वो करवट लेता है, कितना महीना में करवट लेता है बच्चा बताओ, कितने महीना में, करके 3 महीना में करवट लेता है। कृष्ण एक दिन अपने आप करवट ले लिया, मैया को तो बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि बड़ी तपस्या से बड़े पार व्रत करके बूढ़े उम्र में उनको बच्चा मिला। इसलिए राजा का बेटा कोई भी उनकी बहाना बन जाए ना फिर वो उत्सव करती है। जब देखा आज लाला ने करवट ले ली, मतलब आज करवट लेने का आज घर में उत्सव हम करेंगे, जितने गोपियां थी सब गोपियों को उन्होंने निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण दे करके अपना आंगनों का साफ सुथरा कर दिया, जितने दूध दही मक्खन को लेकर के वो बैलगाड़ी को ऊपर में दूर में थोड़ा लेकर के कृष्ण को लेटा दी। बोले क्यों, बोले अभी सब गोपियां आकर गीत गाएगी, लाला का कच्चा नहीं अगर टूट गया तो अभी गोपियां आएगी ना, उसको लेना देना क्या करना, फिर लाला को
संभालूंगे तो फिर उत्सव कैसे होगा, लेटा दी और सब गोपियां बैठकर कीर्तन करती थी। अब देखना पहले पहले अभी भी है ब्रज में, शादी हो कोई भी अच्छा काम हो ना, सबके सब माताएं ढोलकी बजरा लेकर के क्या करती है, भगवान की कीर्तन करती है। डिस्को डांस उल्टा पुल्टा पिक्चर का है, उल्टा पुल्टा गंदे गंदे और फिल्म का धुन नहीं लगाते, क्योंकि कोई भी काम करना कहते भगवान की कीर्तन करते हुए करो, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, उसमें सारे अमंगल दूर हो जाती है। इसलिए सबके सब गोपियां बैठी गई और बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे। हमारे मथुरा से एक प्रभु जी आए, प्रभु जी एक भजन गाएंगे, इनका जो भजन है ना ये रेडियो में इनकी भजन आती है, अगर सवेरे आप रेडियो खोलोगे आपको वहां से इनकी भजन सुनने को मिलेगा। लेकिन ये हमारे गुरु जी की बड़े प्रिय शिष्य है, गुरु जी रहते हुए वो भजन गाए उन्होंने, ठाकुर जी वो सुंदर सुंदर भजन गाए। अभी प्रभु जी आपके सुंदर भजन सुनाए। मंगल में गुरु के पद पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिनचर्या, मंगल में गुरु भक्ति बखानी, मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, मंगल में गुरु की तियमानी, मंगल में नख से सिखलो गुरु मूर्ति वेद पुराण वाणी। बोलिए गुरु जी महाराज की। श्री वृंदावन वास करे साग पात नित खात, तीन के भागन को निरख ब्रह्मा दिकुल क्या, तीन के भागन को निरख ललचात। बोले वृंदावन बिहारी की जय, सुभानु नंदिनी श्री लाल जू की जय, जय श्री राम। दीवाने मन खुल करके जो भूले से भी सत्संग में आ गए हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है, और जिनको भगवान ने जिज्ञा दी है और दोनों हाथ दिए हैं सभी से निवेदन करेंगे कि दोनों हाथ ऊपर उठा करके खुल करके ताली बजा करके दोनों हाथों से और भगवान की राधा रानी की सेवा करेंगे। दीवाने मन, दीवाने मन, दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन कहो, दीवाने मन राधे राधे।
Oh,
बोली आई जो राधा नदी की वस्तु थी के मौसमी का रस अनंतनाथ का रस अन्नानी जो रस है फलों के वो हम मुख से पीते हैं श्री मुख से और ये राधा रानी नाम रूप ये रस है हमारे गुरु वैष्णव जो बताते हैं वो कानों को रस किया जाए
महाराज से बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, एक दिन नारद जी भगवान से प्रश्न कि बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका कोई एड्रेस है कि नहीं। बोले भैया सबका जो घर दुकान मकान, हमारा भी तो कोई दुकान मकान होगी। बोले कहाँ पर प्रभु आप रहते हैं? भगवान कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ क्या ले आए भैया? हरे कृष्णा। दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, बोले मैं योगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले केवल एक जगह पर मेरे को पाओगे। बोले कहाँ पर? बोले जहाँ पर मेरे भक्तजन मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी कथा होती है। अभी कृष्ण को कहाँ ले जाकर रख दिया? पहले गाड़ी को नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? बोले ठाकुर का कीर्तन हो रही है, भगवान की कीर्तन हो रही है। अभी भगवान सोच रहे हैं भैया मैं भी तो अपना कीर्तन का अपना रस लूं। लेकिन कृष्ण का अभी उम्र के बोले 3 महीना की, प्रभु तो आज ही करवट लिए, अभी घुटन पर भी चलना नहीं आता। बोले बच्चों का बल क्या? बोले रोना। बच्चे जब रोते हैं, अरे भैया वहां से बच्चे को ले आती है। कृष्ण सोचा अगर मैं थोड़ा जोर जोर से रो लूं, मैया को कान में आवाज पड़ेगी ना, अरे मैया मेरे को कीर्तन में ले आएगी, मैं भी थोड़ा कीर्तन का आनंद लू। कृष्ण इतने में रोना शुरू कर दिया, इतने जोर से रोए कृष्ण। लेकिन यह तो बड़े जोर से कीर्तन हो रहे थे, फिर मैया किसको लेना किसको क्या देना में एकदम बिजी थी। मैया को कान में तो रोने का आवाज नहीं पड़ा। कृष्ण सोचा भैया कब तक रो, इतना तो रो लिया अभी तक। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने श्री कंस को प्रेरणा कर दी। इतने में कंस एक राक्षस मिल जा जिसका नाम था शकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए उनकी सारे बाग को उन्होंने तसनस कर दी। बोले भगवान इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए? जब भगवान की बगीचा को उजाड़ने के लिए बोले जाओ तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान है तेरे शरीर ही नहीं रहेगा। उसने देखा मेरे शरीर धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, सारे नशा उतर आया। ऋषि की चरण में माफी मांगी। ऋषि बड़े दयालु, संत बड़े दयालु होते हैं। बोले ठीक है जाओ, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे कृष्ण का चरण स्पर्श से तुम्हारी उद्धार होगी। अभी कृष्ण ने ये शकटासुर को भेज दिया, इसका शरीर नहीं था। कृष्ण देखा ऊपर में, देखा बोले मामा जी आ गए, क्योंकि कंस मामा लगते हैं और इनके संबंधी सब सब मामा ही लगते हैं। बोले ये जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। उसने देखा कृष्ण बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए, सोचा शरीर तो है नहीं, बैलगाड़ी को धीरे धीरे दबाते दबाते कृष्ण को पीस लूंगा। इतने में कृष्ण अपना धीरे 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 चरण चलाया और ऐसे उन्होंने ठोकर मारे बैलगाड़ी में, सारे बैलगाड़ी पलट गई, जितने दूध दही सब के सब तसनस हो गया। हाँ, यहाँ पर दिखाया कृष्ण का कितना उम्र है, 3 महीना, लेकिन कृष्ण की चरण की ठोकर में कितने शक्ति दिखाया। उतना कितने उम्र में मारे, कितने साल में, जब कृष्ण को केवल 6 दिन था उसमें दिखाया, देखो कृष्ण की होठ में कितने शक्ति, और यहाँ पर दिखाया कृष्ण का चरण में कितने शक्ति है। जब सारे तसनस हो गए, बैठ करके ब्रजवासी कीर्तन कर रहे थे, बोले आंधी तूफान नहीं पलटी तो पलटी कैसे, सबके सब वहां पर इकट्ठे हो गए। लेकिन बच्चों ने देखा था जो कृष्ण के चरण की ठोकर से गाड़ी पलट गई, बच्चों ने बोलने के लिए कोशिश की, मैया ने विश्वास नहीं की, लाला मेरे 3 महीना का और इसका चरण कैसे पलट जाएगी। फिर मैया ने कृष्ण को लेकर के कीर्तन को बीच में लटा दी। खैर कीर्तन किया तो बस कृष्ण खुश हो गए। देखो हमें भी कीर्तन का आनंद, कीर्तन प्रभु कीर्तन गा रहे थे, आनंद लग रहा था कि नहीं, भगवान की कथा में हमें आनंद लगती कि नहीं लगती है। लेकिन जानते हो सबसे किसको ज्यादा आनंद लगता है कीर्तन में, सबसे ज्यादा कथा में किसको आनंद आता है आपको पता है? बता सकते हो किसको आता है? बोले कृष्ण को। कृष्ण को उनका कथा जितना प्यारा लगता है ना, और किसी को नहीं लगता है। देखो आपकी सही घटना सुनाता हूँ। बहुत साल पहले कोई एक साधु, आप लोग जयपुर गए हो? जयपुर कौन कौन गए?
वहां पर भगवान गोविंद देव का मंदिर में हर साल एक साधु आकर कथा करता था। एक साल में कथा की, जब दूसरे साल में आए तो उन्होंने सबसे पूछा, भैया ये बताओ पिछले साल मैंने कथा को कहाँ विश्राम दिया था, उसको आगे की फिर कथा को बढ़ाऊंगा। लेकिन एक साल पहले कथा किया था सब कैसे भूल गए, अभी कोई बोल नहीं पा रहे। वो साधु ने कहा, लगता है यहाँ कोई कथा नहीं सुनते, यहाँ कोई कथा सुनते नहीं, हमने कहा कब कथा की, क्या कथा की, उसको याद नहीं रहा। आए इतने में मंदिर को अंदर से आवाज आए, बोले महात्मा जी आप कैसे बता सकते हो कोई कथा नहीं सुनते, कथा मैं सुनता हूँ, भगवान गोविंद देव कहते कथा मैं सुनता हूँ ना, आपने यहाँ तक कथा की थी, इसको आगे कथा बढ़ेगी, इसको आगे कथा बढ़ेगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए, यही कारण है, है? यही कारण है। राधा रानी कृष्ण प्रेम रस को जो पान करती हैं, कृष्ण ने देखा, राधा रानी मुझे भी देखती, मैं भी राधा रानी को देखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में जो आनंद आता है उससे करोड़ों गुण राधा जी को आनंद आता है, करोड़ों गुण, लेकिन वो सारे रस मेरे में है। जैसे रसगुल्ला है, अब रसगुल्ला को पता है रसगुल्ले में क्या स्वाद है, किसको पता है, जो रसगुल्ला को खाता है, है? इसलिए भगवान तो विषय विग्रह है, लेकिन ये जो आस्वादन करती है वो आश्रय विग्रह को, बोले राधा रानी। इसलिए अभी कृष्ण को जब बीच में लेटा दिया ना, बस कृष्ण खुश होंगे, बोले तो पहले मैं यही चाह रहा था, पहले मेरे को ले आते कितना नटखट भी नहीं करता। यदि यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने बड़ी अच्छी शिक्षा दिया है, यदि वहां हो रहे थे उत्सव, लेकिन वो उत्सव से क्या किया, कृष्ण को तो कर दिया अलग, और कहाँ लेटा दिया, बोले बैलगाड़ी को नीचे, और घर का जितने सामान कहाँ रख दिया, वो बैलगाड़ी को ऊपर में, हैं, बैलगाड़ी को ऊपर में। कृष्ण देखा, भैया उत्सव मेरे लिए, कीर्तन भी मेरा, सब कुछ मेरा, और मेरे को कहाँ लेटा दिया, बैलगाड़ी को नीचे, घर का सामान वो रख दिया ऊपर और मेरे को कर दिया नीचे। भगवान ऐसे ठोकर मारे ना, सबको तसनस कर दिए। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं, घर में कोई भी उत्सव हो, भगवान को कभी वहां से अलग मत किया करो, ठाकुर जी को अलग मत किया करो, ठाकुर जी को लेकर करो। कल मैं बता रहा था ना, जैसे कोई घर में खाना बनता है ऐसे नहीं, कोई घर में बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, शादी हो रही है, सारा दुनिया लोग को तो खिला रहे हैं पिला रहे हो, लेकिन भगवान जैसे को तैसे बैठे हो, भगवान को कोई खिला नहीं रहे, खुद दिन में दो बार कपड़ा बदला रहे हैं, ठाकुर जी एक कपड़ा से 10 दिन पहन करके, एक कपड़े में ठाकुर 10 दिन बैठे हुए कपड़ा पहन करके, और जिसने दिया है वो एक कपड़ा में पहन करके बैठे हुए, और हम क्या कर रहे हैं अपना शरीर को दिन भर, है? हम किस किसी घर में गए, देखा ठाकुर जी पता नहीं कितने दिन से स्नान नहीं कराया, एकदम ठाकुर जी काले पड़े हुए, आंख कहीं निकल गई ठाकुर जी की, और एक महिला कपड़ा पहन कर बैठ गई। नहीं, कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, रोज घर में सवेरे उठ करके सबसे पहले जैसे अपना शरीर को साबुन से, हैं, हम स्नान करते हैं, साबुन से धोते हैं, रोज भी ठाकुर जी को घर में रोज ठाकुर जी को स्नान करानी चाहिए, और उसकी पंचामृत बच्चों को पिलानी चाहिए, और बीच बीच में नींबू हो नहीं तो दही हो उसमें ठाकुर जी के शरीर को रगड़ रगड़ करके ठाकुर जी को अच्छे तरह से स्नान करानी चाहिए। अब देखो भाई ठाकुर जी को ऐसे नहीं, ठाकुर का तो 10 सेट कपड़ा है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपना अलमारी में देखो कितना सेट साड़ी है, हमारी कितने साड़ी है। इसलिए भगवान भरी सभा में द्रौपदी को लाज क्यों बचाई उन्होंने, जब भगवान की अंगुल कट गया था द्रौपदी ने अपना साड़ी को फाड़ कर, इसलिए अपना साड़ी को फाड़ करके उन्होंने भगवान के अंगुल में व्यंग्य कर दी थी, भगवान रीझ गए। ठाकुर जी देख रहे थे कब मैं इसका ऋणी मिलता, कब समय आएगा जो द्रौपदी को हम ऋणी उतारू, लेकिन ये दुनिया कैसे जानते हो क्या, बोलेंगे आप कैसे हो, बोले कब तक, बोलेंगे बोले जब तक तेरे जेब में पैसा हो, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा हो ना, बोले आप कैसे हो, पैसा गए, बोले आप नहीं तुम कौन हो, तुम ये दुनिया ऐसे है, किसके सारा जीवन सेवा करते रहो, सारा जीवन किसकी सेवा करो, एक दिन कोई त्रुटि हो जाएगा ना, वो देखेगा नहीं आपने उसका सारा जीवन सेवा किया, वो बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया। आप बताओ जिंदगी भर हम सबका सेवा कर रहे हैं,
पत्नी की, पति की, बच्चे की, अभी दुनिया में किसी को संतुष्ट कर पाए कोई बताओ? अभी कोई संसार में हमारे ऊपर खुश है क्या? हाँ बोलो, जगत में किसी को भी खुश नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता है ना, सुदामा जी ने कल सुनोगे, सुदामा जी ने दो मुठी उन्होंने चिड़वा लकड़ी गई और ठाकुर जी उनको त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर ने। इसलिए करो तो किसके लिए करनी चाहिए? बोले भगवान के लिए करनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए करनी चाहिए। इसलिए आज भगवान ने लात मार करके सारे चीज को उन्होंने बिगाड़ दिया। क्यों? भगवान को उत्सव से अलग कर दिया। इसलिए इसका नाम उत्सव। बोले उत, उत मतलब होता है निकाल देना, फिर क्या रह जाएगा? बोले सब, मतलब किसी चीज से अगर भगवान को अगर निकाल दिया तो वो केवल सब ही रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हर काम में भगवान को लेकर के करो और भगवत कीर्तन को साथ में करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार जोर कर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी कृष्ण और थोड़ी बड़े हुए। बोले कितने बड़े हो गए? जब बच्चा अपना पेट की सहारा से धीरे धीरे जैसे चलने लगता है, पहले हर घर में चौकट होता था दहली। अब बताए चौकट क्या होता है? चौकट दहली आप जानते कि नहीं? अभी तो किसी घर में चौकट दहली नहीं होता है, पहले हर घर में हुआ करता था। अभी कृष्ण बड़े नटखट, देखना बच्चा जब अपना पेट की सहारा से चलने लगे ना, वो जिस चीज को देखे उसको पकड़ना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है। अभी कृष्ण सोच रहे घर से बाहर निकलो। अभी कृष्ण पेट के सहारा से घिसटते घिसटते वो चौकट ऊपर में आ गए। जब आ गए आधा शरीर तो बाहर और आधा भीतर, इतने में कृष्ण पूरा पूरा ऐसे लटक गए। इतने में कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। उसी समय श्री नारद जी लोमहर से ऋषि को साथ में आए थे, प्रभु बाल गोपाल रूप में क्या लीला कर रहे हैं। देखा भगवान तो लटकत भगवान और लटक करके भगवान तो रो रहे हैं। इस लीला को देख करके नारद जी बड़ी जोर से ठा लगा करके हा 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 करते करते से थोड़ी देर बाद में फिर रोना शुरू कर दी। ऋषि बोले नारद जी पहले तो आप हंसे, उसको बाद में रोए क्यों? बोले इसलिए मैंने हंस रहा था, ये भक्तों का सौभाग्य को देख देख करके क्या भगवान ये चौगड़ को पार नहीं कर सकते? जिनका नाम लेते हैं जीत, ये भव सागर से पार हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के चौकट को पार नहीं हो पा रहे और रो रहे हैं। बोले ये लीला जब भक्त लोग अपना हृदय में ये लीला को स्मरण करते हैं, इसी में ही अपना मन को पूरा डुबो देते हैं। इसलिए भक्तों का सौभाग्य को देख देख करके मैं हंस रहा था। बोले रो रहे थे क्यों? बोले ज्ञानियों का दुर्भाग्य को सोच सोच करके, जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का तो रूप नहीं लीला नहीं है, इसलिए वो चीज को याद नहीं करते, उसको स्मरण नहीं करते हैं, इसलिए इनके लिए मैं रो रहा हूँ। कृष्ण और जब धीरे 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 बड़े हुए, अभी नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई नाम करना संस्कार हो जाए, क्योंकि जिसकी मन में जो इच्छा होता था उसी नाम से पुकारा करते थे। लेकिन कोई लाला का नाम हो जाएगा ना, फिर उसी नाम से उनको पुकारा करेंगे। लेकिन अभी एक दिक्कत है, नंद बाबा तो सोच रही है लाला मेरो है, लेकिन वसुदेव महाराज सोच रही है लाला मेरो है। ये दोनों ही सोच रहे हैं लाला मेरो है। अभी श्री वसुदेव महाराज ने देखा, अगर श्री नंद बाबा अगर लाला का नामकरण करेंगे, पहले जब नाम होता था वो ऐसे नहीं जो मुंह में आया टुल्लू गुल्लू टिक्की टिक्की जो नाम रखते थे, पहले ऐसे नहीं रखते थे, पहले ज्योतिष को बुलाते थे, उसका जन्म नक्षत्र देखते थे, फिर एक अक्षर निकालते थे, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भगवत संबंधी नाम ले तो कोई भक्त का नाम देते थे। और पहले जब नाम होता था, पहले मैंने बताया था ना, जब नाम होता था उसको पिता और उसको पिता दोनों का नाम एक नाम से होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है हमारे खानदान को ये रक्षा करता है, यही पिंड प्रदान करता है, पिताजी का मुखाग्नि यही देता है। इसलिए पहले ये सब नियम होता था। जैसे देखो, जैसे भगवान राम है, भगवान राम है, उनको पिताजी का नाम क्या था?
क्या नाम था? दशरथ। जब राम का नाम लिए रखे वहां से दशरथ, ये रा अक्षर को वहां से लिया, इसलिए पहला अक्षर हो गया रा। फिर उनको पिताजी की दशरथ महाराज की, उनका पिताजी का नाम था अज, वहां से ये आ लिया, फिर हो गया राम। जैसे कृष्ण का नाम ऐसे ही पहले कृष्ण का नाम अभी होगा, इसलिए कृष्ण जी का पिताजी का नाम क्या था? कहते श्री नंद बाबा, इसलिए स्ना में जो न है वहां से लिया। बोले उनको पिताजी का नाम, बोले परिजन बाबा, वहां से जो क्री, क्री में जो री अक्षर, री जो मात्रा र है, उन्होंने से परिजन बाबा से लिए। इसलिए पहले जब नाम लेते थे पिताजी की और उसको पिताजी की, दोनों का नाम एक बच्चे को नाम के अंदर में होनी चाहिए पहले। और ऐसे नाम आप लोग भी ऐसे नाम नहीं रखनी चाहिए, जैसे आप लोगों को पता है शादी से पहले जन्म पत्र मिलाते, मिलाते कि नहीं? जन्म पत्र मिलाते, बोले जन्म पत्र क्यों नहीं, क्यों मिलाते? कहते जिस नक्षत्र से वो बच्चा जन्म हुआ वो नक्षत्र को साथ में मिलता कि नहीं, वो गुण मिलाते है ना, कितना गुण मिल रहा है कितना गुण नहीं मिल रहा है, हैं? इसलिए पहले ये सब विचार हुआ करता था, इसलिए जगत में डाइवोर्स फाइवर्स कुछ नहीं होती। अब इतने डाइवोर्स क्यों हो रहा है, कारण क्या है? मनमानी शादी करना, जैसे तैसे ये करना, इसलिए ये सब सारे जितना गड़बड़ी है ना, इसलिए सब होता है। इसलिए ये भक्त लोग कहते हैं जितना शास्त्र में जो नियम दिया है ना, कहते ये सब साइंस ही है, ये प्रॉपर साइंस ही है। कि जैसे कोई भी मशीनी हो, देखना वो मशीन को साथ में मैनुअल होता है, वो मैनुअल को कौन बनाता है? जिसने मशीन को बनाया, उसको कैसे चलाना, कैसे ऑपरेट करना, कैसे, अगर उसको पढ़ करके करोगे तो बढ़िया से मशीन चलेगा, लेकिन अगर बगैर पढ़ करके करोगे तो फिर उल्टा पुल्टा होगी, फिर उसको उल्टा पुल्टा होगी। इसलिए भगवान ने कहा देखो जब हमने ये दुनिया बनाया उसको साथ साथ मैंने एक मैनुअल भी बना दिया। बोले क्या है? बोले गीता है, रामायण है, भागवत है, मनुष्य संहिता एक ग्रंथ है। अगर हो सकता आप लोग मनुष्य संहिता ग्रंथ को जरूर पढ़ना, क्योंकि ये मनु महाराज से ही ये सृष्टि आरंभ हुई है। इसलिए उन्होंने मनुष्य संहिता में हम संसार में कैसे सुखी पूर्वक रह सकते हैं, ये मनुष्य संहिता में उन्होंने सारे नियम कानून ने ये मनुष्य संहिता ग्रंथ में उन्होंने दिया है। इसलिए श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं अगर ये नंद बाबा बेटा का नामकरण करेंगे ना, वो अपना वर्ण जाति अनुरूप कर लेंगे, लेकिन बेटा तो मेरा है। उन्होंने श्री गर्गाचार्य को बुलाए, बोले गर्गाचार्य जी आप त्रिकाल दृष्टा हो, आप सब जानते हो ये लाला मेरा है। राता रात मैंने वो लाला को गोकुल में रख करके आ गया, लेकिन नंद सोच रहे लाला मेरा है, इसलिए आप गोकुल में जाओ और मेरे बेटा का ऐसे एक नाम रखो जो मेरे नाम के साथ में मिलता जुलता नाम हो। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है, भगवान का नाम करने करेंगे, भगवान को गोद में लेंगे, अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण है, नन्हे नन्हे हाथ है, ठाकुर जी अभी खड़े नहीं हो पाएंगे, देखना छोटे बच्चे को गोद में लो, दाढ़ी पकड़ेगा, कपड़ा खींचेगा, हैं? कहते भगवान कौन है? बोले बायो रथा मनसा मुनि पुंग नाम, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, लेकिन आज वो प्रभु को हम गोद में लेकर के नामकरण करेंगे। वो इतना खुश हो गए जब श्री नंद बाबा जी के घर में आए, नंद बाबा बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, हैं? क्योंकि आज घर में मेरे संत लोग आए हैं, संत का चरण धूलि पड़े। कहते महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम तीन चेतसाम निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। बोले साधु लोग हमारे घर में क्यों आते हैं? बोले अपना स्वार्थ के लिए नहीं आते, हमारे कल्याण करने के लिए साधु लोग आते हैं। बोले आज मेरे जीवन तो धन्य हो गया। बोले जब आप कृपा करके आए हो हमारा दोनों बच्चों का नाम करना करवा दो, वो तो इसलिए आए थे, बड़े खुश हो गए। बोले दोनों बच्चों को लेकर के आ जाओ। जब बच्चों को लेकर के आए, पहले श्री बलराम का नामकरण किए। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमया श्रोही द्विगुण। बोले ये जो रोहिणी का जो बेटा है ये सबको ये आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इनका नाम होगा राम। बोले बलाधिक्यात बलम पितु, शरीर में बड़ा बल होगा,
इसलिए इनका नाम होगा बलराम होगा। इसका और एक नाम होगा शंकरसन, क्योंकि ये पहले देवों की गर्भ में आए, जोग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की। जतुवंश और गोपवंश में अगर कभी लड़ाई होना, ये बच्चा लड़ाई कर होने नहीं देगा, दोनों को संभालेगा। इसलिए इनका नाम होगा एक शंकरसन और एक नाम होगा इनका बलराम। बोले श्री ताऊ भैया की। अभी कृष्ण का नाम करने करेंगे। गर्गाचार्य जब ध्यान लगाया, इनका तो ध्यान पूरा के पूरा लग गया। बोले क्यों? उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दर्शन किया। अगर किसका एक दो चार पांच नाम हो तो एक नाम रख ले। बोले देखा दुनिया में जितने सारे नाम इसका ही नाम है। अभी तो चक्कर में पड़ गए, नाम रख तो नाम कौन सा रखूं? वो तो पूरा आंख बंद करके विश्व ब्रह्मांड को देख रहे थे। इतने में श्री नंद बाबा ने उनका हाथ पकड़ करके हिलाया। बोले गर्गाचार्य जी बताओ ना, आप लाला का नाम क्या होगा? बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृह्णोत अनुयुगम तनो शुक्ल तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले नंद बाबा, तुम्हारा ये जो लाला है ना, ये साधारण नहीं, ये हर युग युग में तेरे ये लाला आता है। ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेतया युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और जब कलियुग होगा तुम्हारी ये लाला श्री नवद्वीप धाम में श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में आएंगे, और ये संपूर्ण विश्व में ये हरि कीर्तन को ये प्रचार करेंगे। इसलिए उसी समय में उनका नाम होगा श्री सच्चिदानंद गौर हरि। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। बोले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। हाँ देखो एक चीज को समझो। हम कहते ना भैया ये भगवान है, अमुक भगवान है, अमुक भगवान। कहते भैया भगवान हर समय नहीं आते, भगवान हर समय नहीं आते। जैसे अगर मोदी अगर वृंदावन में आएगा ना, देखना न्यूज पेपर में आ जाएगा अमुक समय पर अमुक फ्लाइट में अमुक जगह पर उतर करके मोदी अमुक जगह पर आएगा। अगर मोदी अगर एक प्राइम मिनिस्टर होकर के भारत का वैसे नहीं आता है, उसी तरह गोलोक वृंदावन से कोई भगवान इसी जगत में आएंगे ऐसे आ जाएंगे? ऐसे नहीं आ जाते। उनको पहले सारे ग्रंथ में लिखा हुआ होता है। जैसे अभी कल की अवतार नहीं आया, भागवत पढ़कर देखो। बोले संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवन विष्णु जक्षस्य कल की प्रतिभा। यहाँ पर बताया ये संभलपुर ग्राम में विष्णु जस का बेटा बनकर के भगवान कल की अवतार लेंगे, ये भागवत में लिखा हुआ है। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु वो नवद्वीप धाम में आएंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन को प्रचार करेंगे। उनका भविष्यवाणी है, पृथ्वी में जितने गांव जितने शहर में एक दिन ऐसा आएगा सर्वत्र ये महाप्रभु का वाणी प्रचार होगा। सभी लोग प्रसन्न होकर के वो कहते गोरे और काले ये दोनों व्यक्ति एक साथ में मिल करके हाथ उठाते हुए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। देखो अभी देखो अभी जो थोड़ी बहुत आप लोग वृंदावन में आए हो, लेकिन यहाँ पर से भक्त सब मालाधारी सब तिलकधारी कंटीधारी है। देखो ये सब के सब देखो सब अब वृंदावन में जिधर जाओ सब तिलक कंटी माला। ये जो गर्गाचार्य जी यहाँ पर द्वापर युग में बता रहे ये बात को, श्री महाप्रभु श्री नवद्वीप में कलियुग में आकर के उन्होंने सर्वत्र है भगवान कृष्ण भक्ति सर्वत्र केवल भारत में नहीं, कहते पृथ्वी ते आचे जाते नगरादि ग्राम संपूर्ण पृथ्वी में हमारी ये सनातन धर्म प्रचार होगा संपूर्ण पृथ्वी में। इसलिए आप लोग मेन रोड में जाओ, देखना अंग्रेजी लोग सब कोई फ्रांस कोई लंदन कोई रशिया सब जगह के लोग सब बैठ करके अब तिलक कंठी माला सब लगा कर भजन कर रहे हैं। ये गर्गाचार्य जी यहाँ पर ये बता रहे हैं। बोले वही कृष्ण अभी इदानी कृष्ण ताम गत, अभी ये कृष्ण रूप में आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले इनका नाम कृष्ण नाम क्यों दिया? भगवान का अनंत नाम है, लेकिन ये कृष्ण नाम क्यों दिया? बोले कारण है कृष्ण मतलब होता है काला, लेकिन कोलतार जैसे काला नहीं।
हम जो काला छोड़ते ना कोल्तर जैसे काला नहीं है, इसलिए शास्त्र ने बताया इंद्र नीलमणि कृष्ण रूपकानि, वो उदाहरण दिया एक मणि है वो इंद्र नीलमणि कहते हैं, वो मणि में बड़ा तेज बड़े सुंदर है, है? इसलिए भगवान को काले, इसलिए आप बहुत सारे रंग मिलाओ देखना अलग अलग रंग मिलेगा, लेकिन अगर काला रंग थोड़ा मिला दो ना वो काला रंग सारे रंग को अपना लेता है, इसलिए कहते हैं काले कमरिया ऊपर में चढ़ना दुजरन, अगर किसको ऊपर में काला रंग चढ़ जाए ना फिर कोई रंग ही काम नहीं करता है, जैसे आप लोगों को ऊपर रंग चढ़ा है घर वाल छुड़ा करके वृंदावन ले आए, आपको वृंदावन में ले आए, इसलिए हमारे संप्रदाय में से रूप गोस्वामी कहते हैं बोले खबरदार कभी भी ये वृंदावन में मत जाओ, मना कर देते बोले वृंदावन में एकदम मत जाओ, सबको मना करते हैं, बोले भैया सारा दुनिया कहते वृंदावन जाओ आप कहते वृंदावन मत जाओ, बोले अगर आप भूले भटकते हुए अगर कहीं आ गए ना एक बात जरूर याद रखना, बोले किस बात को, बोले एक कैसी तीर्थ घाट है, बोले वहां तो तुम्हारी प्यार नहीं पड़नी चाहिए, बोले भैया हम तो इसलिए आते किसी तीर्थ घाट में स्नान करे है वहीं पर स्नान करने के लिए, बोले अगर भूल से वहां पर पहुंच गए ना वहां पर एक गोविंद देव भगवान गोविंद देव का मंदिर है, भैया वहां तो प्यार पड़नी नहीं चाहिए, बोले भैया इसीलिए तो आते हैं ठाकुर को दर्शन करने के लिए, गोविंद जी को बांके बिहारी को दर्शन करने के लिए आते हैं, अब कह रहे हो मत जाओ, बोले भैया एक बार दर्शन कर लिया ना फिर मेरा कोई दोष नहीं देना, बोले क्यों, बोले एक बार सेरू पर नयन हेरे केहो नहीं घरे फिरे संसार जीवे से तो है सर्वनाश, कहते एक बार अगर वो रूप को तुमने देख लिया ना फिर घर में वापस नहीं जाओगे, अगर बेटा अगर देख लिया तो पिता माता को भूल जाएगा, अगर पिता माता देख लिया तो बेटा को भूल जाएगा, हैं अगर पत्नी देख लिया तो पति को भूल जाएगी, हैं अगर पत्नी देख लिया तो पति को भूल जाएगा, हैं इसलिए कहते ना बांके बिहारी की देख छटा मेरे मन है गयो लटा बटा, इसलिए वो संत कह रहे हैं भैया एक बार उनको रूप दर्शन देखो ना फिर तो दुनिया में और किसी को भी तुमको देखने का इच्छा नहीं करेगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण है, हाँ क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब होता है सबको जो आनंद दे, अपना तरफ में आकर्षण करे और सबको जो आनंद दे, ये कौन है यदि ये श्री कृष्ण है, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो वो बता रहे थे हे नंद जी तेरा ये जो बेटा है ना बोले केवल इसी युग में नहीं ये हर युग युग में आते हैं, सत्य युग में कभी अकाल पड़ा तुम्हारी बेटा पृथु महाराज रूप में ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने रक्षा की है, हर अवतार में ही हर युग युग में आते हैं, इसकी इतने नाम इतने रूप इनकी इतने गुण हैं जिसको वेद भी जिसकी पार नहीं पाएगा, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत, जब ये सब बात बता रहे थे ना मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, बोले पंडित जी कोई काम की बताने के बिना काम की बात बता जा रहे, अरे सत्य युग में यह था तृतीया हमारा क्या मतलब ये था, अरे हमारे मतलब की बात तो बता, कहते भैया माताओं का मतलब का क्या बात जानते हो क्या है, अभी मैया एकदम बड़ी बूढ़ी हो गई क्योंकि बूढ़ी उम्र में बेटा हुआ है, हर माताएं ये सोचती हैं बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो और जल्दी जल्दी शादी हो जाए और घर में बहू आ जाए, बोले क्यों, बोले जब तक बहू नहीं आती है ना ये माताओं को सारे घर का काम काज करना पड़ता है, जब घर में बहू आ जाए बस बहुओं को सारे काम दे दो फिर बैठ करके बस भगवान की भजन करो और गर्म गर्म रोटी सब्जी खाते रहो, लेकिन धीरे धीरे ना यही यही तो इसलिए मैया जसोदा सोच रही थी बड़ी बूढ़ी हो गई कब तक घर का काम करोगी, अरे ज्योतिष तो ये बताए लाला का कितना शादी होगी कहाँ कार होगी कितने बहु, ये तो बात बताए, मैया तो भोली वाली है ब्रजवासी भोली वाली भोली गोपी है, देखो एक श्लोक ऐसे दूसरा अर्थ होता है, वो गर्गाचार्य कह रहे थे बोले बहुनी संति नामानी, वो कह रहे तेरे बेटा का बहुत सारी नाम रूप गुण होगा, लेकिन मैया अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी बोले बहुनी संति नामानी, मैया सोच रही थी आप ज्योतिष ये कह रहे हैं बहुनी संति नामानी तेरे बेटे का बहुत सारी बहु होगी, मैया मन मन में अर्थ लगा बोले अच्छी बात है जितना बहु होगी उतना तो सास की सेवा करेंगे ना, अरे कृष्ण जब वृंदावन में थे एक तरह राधा थी फिर उनकी ललिता विशाखा चंपकलता तुम्बवीता चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी ये कितने कितने
कृष्ण जब रास किए तो कहते सतत करोड़ों गोपियों को साथ में रास किए। फिर कृष्ण जब जाते हैं द्वारका में, फिर आज रुक्मिणी विवाह सुनोगे 16108 कटरानियों को साथ में प्रभु शादी की है। मैया तो खुश हो गई, बोले ज्योति सच्ची बात बताए, अभी काम की बता ले। बहुनी संति और अलग अलग नाम, फिर इनका रूप और गुण अलग है, कोई काली कोई गोरी कोई सावर्ण वर्ण, बोले कोई बात नहीं बहू होनी चाहिए है। मैया तो खुश हो गई, ज्योतिष को बढ़िया उन्होंने दक्षिणा दिया, दक्षिणा दिए और ज्योतिष के चरण में कन्हैया बलदेव प्रभु लेकर दिए, बोले लाला को आशीर्वाद दो। बोले भैया कहाँ प्रेमिकों को बीच में आ गया, क्योंकि उनको पता है ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक ये है। गर्गाचार्य जी ऊपर ऊपर से आशीर्वाद दिए, बड़े प्रसन्न होकर के गए। जब चले गए जितने ब्रज की गोपियां थी, बोले जसोदे ये ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखा है, बोले बड़ा बेटा का नाम रखा तो बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्णा। बोले नाम तो बड़े अच्छे है, लेकिन ये कृष्ण नाम देखना, जब तक ये जिह्वा तीन बार पलट नहीं जाती है ना, तब तक ये कृष्ण नाम नहीं निकलती है। बोले ये पंचांग का ये नाम रख लो, लेकिन ये हम अपना घर का जो बुलाने का नाम, बोले बड़ा बेटा का नाम बलुआ और कृष्ण छोटा बेटा का नाम कनुआ, हम बलुआ और कनुआ नाम से दोनों लाला को हम पुकारेंगे। बोले श्री कनुआ बलुआ की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। ये जो दरवाजा है ना प्रभु जी, अभी लाइट ही है नहीं, अभी लाइट नहीं, ये दरवाजा को खोल दो, अगर दरवाजा खोल दो तो हवा की मौसम आती जाएगी। अरे इधर इधर का अगर कोई खिड़की हो ना, इधर के खिड़की को भी खोल सकते हो, वो हवा क्रश करेगा, बाहर से जाकर खोल दो। एक भजन जी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे जहां भी राजे कन्हैया ले जग पर ले का, सांवरिया ले जग पर ले का, कन्हैया सांवरिया ले जग पर ले का, सांवरिया
देखिए दीप के झोंके भी कंगन दे रहे हैं। देखिए मैं राजस्थान में गया था, वहां एक माता जी कह रहे थे अरे थाने के बताओ थारी कथा तो इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है। मैंने कहा माता जी कहा है कथा में, अरे थारी कथा तो इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है कहा बताओ। मैंने कहा माता जी कहा है वो, बोले मैं दिन में दस दस गोली खाऊ नींद की फिर भी कोई नींद आ गई और थारी कथा में तो बैठे ही नींद आ गई। तो कहने का मतलब ये है कथा में आप पानी नहीं लगाओगे कीर्तन में और बातों भी मिलेगी तो दिन तो आना ही आना है। इसलिए ताली बजाकर सभी लोग और जो आज से जो कर सकते हैं वृंदावन धाम में और ये पुरुषोत्तम का महिला जो एक बार पुण्य लगाते हैं तो सौ बार का जो है पुण्य मिलता है। तो सभी लोग ताली बजाकर गाएंगे प्रेम से और पहली बार किस किस को लगा है देखो ज्यादा सब जो है सभी को याद हो जाए लेकिन ताली बजाने में बच जाए हरे कृष्ण सभी लोग ताली बजाकर गाएंगे और नाचेंगे भी। Oh, my God.
I'm gonna go
कभी ये नौकरों को देख करके राज्य शासन करते थे मंत्री को, लेकिन राजा रानी दोनों स्वयं 26 घंटा में 26 घंटा भगवत कीर्तन, भगवत कथा, भगवत भजन में डूबे रहते थे अम्बरीश महाराज। इनकी भक्ति को भावना देख करके भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र को भेज दिया, बोले ये दिन रात तो मेरा भजन करता है, उसके राज्य कौन देखेगा। साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र उनका राज्य को देखभाल करता था। कभी इनके घर में श्री दुर्वासा जी आए, द्वादशी का दिन नियम होता है एकादशी व्रत कैसे करनी चाहिए, एक दिन पहले एक बार खाओ, रात को मत खाओ, और एकादशी का दिन पूरा निर्जला रहो, और दूसरे दिन टाइम से अपना व्रत खोलो, अपना टाइम से अपना व्रत खोलो। लेकिन व्रत खोलने से पहले अगर किसी साधु वैष्णव को कुछ दे करके अगर व्रत खोलोगे ना, ये एकादशी व्रत की पूर्ण फल आपको प्राप्ति होगी। अभी वो व्रत खोलने जा रहे हैं तो दुर्वासा जी आए, बोले दुर्वासा कौन है, बोले ये शंकर जी के अवतार है, हैं शंकर जी के प्रकाश, और बड़े प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है संत घर में आए और इनको भोजन करा के हम अपना व्रत खोलेंगे। बोले बाबा आज घर में आए हो प्रसाद पाओ, बोले अभी अभी मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। लेकिन जब वो स्नान कर रहे थे इतने में, हाँ देखो ध्यान देख रहे सुने घर, नियम है एकादशी की दूसरे दिन एक समय होता है, उसी समय को अंदर में ही व्रत खोलो। व्रत कैसे खोलोगे, ठाकुर जी को कुछ भोग लगाओ, एकादशी का दिन जो चीज नहीं चलता है जैसे अन्न है रोटी है भोग लगा करके उससे व्रत खोलनी चाहिए। अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद हो बहुत अच्छी बात है, हैं? अभी वो समय निकलते हुए जा रहा था, समय निकलते हुए जा रहा था, इतने में अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से उन्होंने परामर्श लिए, बता अभी मुझे क्या करनी चाहिए। बोले देखो आपने जो व्रत रखा था निर्जला, बोले पानी तक भी आपने नहीं पिया, इसलिए आप पानी से बाद चरणामृत से आप व्रत को खोल सकते हो। उन्होंने जो व्रत को खोला, लेकिन दुर्वासा तो साधारण थे नहीं, त्रिकाल दृष्टा, बड़ा क्रोध आया, तमतमाते हुए आए, बोले तू गृहस्थ होकर के और मैं त्यागी हाँ ऋषि और तुम्हें बगर खिलाए तुमने व्रत कैसे खोल दिए। उन्होंने बोले बड़ा अभिमानित हो गया, जटा से उन्होंने एक बाल को उखाड़ करके पटक दिया, पटकते ही वहां पर कृत्य राक्षसी प्रकट हुई, बोले इनको मार डालो। लेकिन अम्बरीश महाराज को भगवान की सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा था, इतने में झट सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और वो राक्षसी को मार डाली। फिर उन्होंने पीछा की दुर्वासा जी को पीछे, दुर्वासा शंकर जी के प्रकाश है, वो गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा बोले जल्दी यहाँ से भागो क्योंकि तुमने भक्तों को चरण में तुमने अपराध किए है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, नहीं तो सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक भी नष्ट कर देगा। शंकर जी को पास में, गुरु जी को पास में गए, गुरु जी भी नहीं रक्षा किए, बोले एक काम कर सकते हो जिसका चक्र तो उनको पास में जाओ। जब वैकुंठ में गए भगवान बोले, बोले दुर्वासा अगर प्यार प्यार में अगर कांटा चुभ जाए ना वो सर में नहीं निकलता है, वो प्यार में ही निकलेगा। ये जो साधु है, बोले साधव हृदय मुझ्यम साधु नाम हृदय तुम, मेरे हृदय में साधु और साधु का हृदय में मैं बैठा हूँ, तो मेरे कृपा पाने के लिए आया ना, लेकिन मैं तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो संतों का हृदय में बैठा हूँ और संतों का हृदय मेरे में है। बोले मद अन्नत ना जानति ना अहम तत्व मनागति, वो मेरे को सिवाय कुछ नहीं जानता, मैं उसको सिवाय में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए इन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आए हैं। जब तक तुम अम्बरीश महाराज के पास में नहीं जाओगे तेरा अपराध माफ नहीं होगा। उन्होंने देखा हाय रे, हम इतने बड़े योगी, इतने तपस्वी, इतने ब्रह्म मेरे हाँ ब्रह्म तेज, लेकिन ये भक्तों के सामने सब चकनाचूर हो गया। खैर तो जब श्री अम्बरीश महाराज के पास में आए, वो माफी मांगने से पहले अम्बरीश महाराज स्वयं माफी मांगने लग गए, बोले आप अतिथि बन करके मेरे घर में आए, कहाँ आपकी सेवा करनी चाहिए, आपको इतना दिन तक आपको भटकना पड़ा, मेरे अपराध को माफ कर दो। खैर बोले भैया आज मैंने संतों का महिमा को देखा, साधुओं का महिमा को हमने देखा है, संतों की महिमा देखे, ये एकादशी मतलब होता है, देखो जो एकादशी व्रत रखेगा ना सुदर्शन चक्र उसका रक्षा करता है,
ठाकुर जी के चक्र उसको रक्षा कर जगत में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए श्री कहते श्री महाराज जी उनके देश में नियम था सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा। अभी एकादशी व्रत का दिन सबके सब एकादशी में सबके सब घर में हरि कीर्तन हरि नाम भगवान भजन करते हैं, लेकिन जो पाप है वो कहाँ प्रवेश करता है? बोले जहां पर भगवान की भजन और पूजा कीर्तन नहीं। अब ये पाप तो दुखी दुखी हो गया। और ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ब्रह्म मेरे को जान से मार डालो। बोले क्यों? बोले ऐसे एक राजा आया, अरे तू एकादशी व्रत करके तू करना, वो सारे प्रजाओं को एकादशी व्रत रखवा रहे। अभी जिस घर में जाओ उसी घर में कीर्तन भजन पूजा पाठ, अभी मैं किसी घर में मेरा स्थान ही नहीं, तो मेरे को रख करके क्या लाभ, मेरे को जान से मार डालो। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत कर, तेरे को मैं स्थान देता हूँ। उन्होंने एक सुंदर लड़की सृष्टि की जिसका नाम थी मोहिनी। सचमुच से वो इतने सुंदर थी, ये पृथ्वी लोक में इतनी सुंदर लड़की होती नहीं। बोले पिताजी क्या आदेश है? बोले देखो ये रुक्मांगद महाराज की जो एकादशी व्रत कर रहे हैं, तुम किसी तरह से इनकी एकादशी व्रत को नष्ट करो, हैं? तुम इनके घर में शादी करके इनको घर में जाओ और व्रत को नष्ट करो। बोले ठीक है पिताजी। वो जा करके जंगल में जब चली गई, रोज रुक्मांगद महाराज जंगल में जाते थे, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे जिसका नाम था वामदेव। जब वहाँ पानी पीने के लिए पहुंचे, ऋषि ने इनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले महाराज आपको पता है आप कौन थे पूर्व जन्म? बोले नहीं। बोले सुना आपका पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे, बड़े दुष्ट थे। आपका जो रानी है ना वो शूद्राणी वैश्या थी, उसको ऊपर में आप बहुत ही आसक्त थे क्योंकि देखने में बड़ी सुंदरी थी। जब वो चलती थी आप भी चलते थे, जब वो बैठती थी आप भी बैठते थे, हैं? जब वो खाती थी आप भी खाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो एकादशी का तिथि थी लेकिन तुम दोनों को पता नहीं था, और उसी दिन उसको बड़ा तेज बुखार आया। अब उसने खाना पीना छोड़ दी, आप भी दुखी होकर छोड़ दिए। बुखार उतरा नहीं, बढ़ते 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 रात भर दिन भर छटपट छटपट करते रही। आप तो ज्यादा प्रेम करते थे, आप भी छटपट छटपट करते रहे। दूसरे दिन शरीर त्याग दी, आप भी शरीर त्याग दिए। बोले महाराज आप जो एक एकादशी व्रत आप निर्जला कर दिया, उसका फल है अभी ये देश का राजा वही शूद्राणी वैश्या आविष्मा की रानी। एक एकादशी व्रत से आपको इतने फल मिला है, और आपको एकादशी व्रत में जो इतना निष्ठा कारण यही है, पूर्व जन्म में आपने एक निर्जला व्रत रखा था। राजा देखा हाय रे, अनजान में ऐसे एक व्रत रख दिया तो इतना महिमा इसकी, इतने पुण्य इसकी, उनकी तो एकादशी का प्रति और भी इनकी ज्यादा निष्ठा आ गई है। इतने में राजा जब और थोड़ी दूर गए, उन्होंने सिर्फ मोहिनी को देखा, क्या अपूर्व सुंदरी, क्या उसकी शरीर का तेज। बोले तुम्हारी नाम क्या है? बोले मेरी नाम मोहिनी है। बोले सचमुच से तुम मोहिनी हो? बोले लगता है तू तो शादी नहीं की, किसी पति को ढूंढ रहे हो। बोला आप सही बताए, मैं जैसे सुंदरी ऐसे किसी सुंदर पुरुषों को मैं ढूंढ रही हूँ। बोले देख ये देश का मैं राजा हूँ, मेरे से शादी करोगे? बोले कर सकती हूँ लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या शर्त है? बोले जब मैं जो कुछ बोलूंगी उसको सुनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, साधारणी तो बनोगे। लेकिन पहले राजा शादी किए हुए थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम था धर्मांगद। फिर राजा जब शादी करके आए तब रानी धर्मांगद ने उनको फिर स्वागत की। लेकिन ये मोहिनी तो इसीलिए आई एकादशी को नष्ट कराने के लिए। उन्होंने गुप्त रूप में उन्होंने पंडितों को बुलाए, पंडितों को बुला करके बोले देखे एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ। बोले राजा अगर पूछे एकादशी व्रत किसको किसको करना नहीं करना, ये शास्त्र की बात नहीं बताना, शास्त्र बात को ढक करके कुछ मनगणत कुछ बात बता देना। तुम लोग ये बताना कोई जरूरत नहीं सबके एकादशी व्रत रखने का, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए अगर इच्छा हो तो कर ले, नहीं तो जो विधवा हो गई इच्छा हो तो कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ये बात को तुम लोग को बता देना है, और कोई जरूरत नहीं सब बोल सकते हो? बोले हाँ बोल सकते हैं। बोले फिर तो तुम्हारी झोली रत्न से तुम्हारी झोली में भर दूंगी। ब्राह्मण लोग थोड़े लोभी होते हैं, वो पैसा गिलोह में आ गए।
अभी राजा का देश में नियम, जैसे कल एकादशी, एक दिन पहले दशमी, एक हाथी के ऊपर बैठ करके वहां पर ढिंडुरा पिटवाते हैं। बोले सावधान, कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश है, सारे प्रजाओं को एकादशी व्रत करना पड़ेगा। जो एकादशी व्रत नहीं करेगा, राजा उसको राज्य से निकाल देगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। इतने में रानी बोली, महाराज ये ढिंडुरा क्यों पिटवा रहे हैं? बोले रानी, ऐसे ऐसे हमारे देश में नियम है। बोले ये एकादशी एकादशी कुसंस्कार कहां से लिया? ये क्या जरूरत है बच्चों को और जवानों को एकादशी व्रत करके शरीर खराब करने का? कहीं शास्त्र में लिखा हुआ ना? अपना ये मनगढ़ंत बात बता रहे। बोले शास्त्र में लिखा हुआ? बोले बताओ कहां पर लिखा हुआ, दिखाओ। ब्राह्मण को बुलाए। बोले ब्राह्मण को पुस्तक लेकर के आ जाओ। लेकिन राजा को पता ही नहीं, रानी पहले ही पट्टी पर पढ़ा करके रखी उनको। ब्राह्मण लोगों ने झूठ मूठ का किताब को खोल करके बोले, महाराज कोई जरूरत नहीं सबको एकादशी व्रत रखने का, जो बूढ़ा बूढ़ी विधवा हो गई, इच्छा हो तो करे, मतलब कोई जरूरत नहीं। राजा ने कहा, भैया तुम लोग पहले तो ये बात नहीं बताए, पहले बोलते थे भागवत में श्री अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे, दुर्वासा जैसे ऋषि भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए, जिसको नंद जसोदा रखा करते थे, जिसको रुक्मिणी सत्यभामा रखा करती थी, नंद जसोदा जिसको करते थे, जिसको पांडव लोग पंचम पांडव व्रत रखा करते थे, पहले तो बड़ी बड़ी एकादशी की महिमा बताया करते थे, तुम एक दिन में बदल कैसे गए? फिर तुम बोलते थे एकादशी का व्रत में इतने शक्ति है, कभी जितने सारे व्रत का जितने महिमा, एक तराजू लेकर के जितने सोम मंगल बृहस्पति शुक्र शनि सारे व्रत का तराजू का एक तरफ में धर दो, एकादशी व्रत का फल धर दो ना, वो एकादशी सबसे ज्यादा भारी है। और एकादशी का दिन अर्ण में गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या सारे पाप, अब एक दिन में तुम लोग बदल कैसे गए? बोले हाँ महाराज ऐसे है। राजा बोले, देखो मेरे देश में तो एकादशी व्रत रहेगी। मोहिनी बोली, प्रभु मैं कह रही हूँ एकादशी व्रत मत रखो, आप कह रहे हो एकादशी व्रत रहेगा, मैंने बताया था ना, मैं जो बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा। बोले सब तो सुन सकती हूँ, लेकिन ये बात नहीं सुन सकती हूँ। बोले फिर तो मैं जा रही हूँ। बोले जाना तो चले जा। लेकिन उसका जो बेटा था ना, वो धर्म स्वरूप था, उसको पता पिताजी ये मोहिनी को प्रेम में एकदम ज्यादा ही पागल है, जब से मोहिनी को घर में लेकर के आए तब से तो राजघर जो भूल गए सबके सब, दिन भर इसको पास में बैठे रहते हैं। उन्होंने जो छोटा बेटा, उन्होंने छोटी मैया के चरण में गिर पड़ी। बोले माता जी ये एकादशी को विनिमय में हम सब कुछ देने के लिए तैयारी, लेकिन ये एकादशी व्रत नहीं छोड़ सकते हैं, आप और कोई चीज की मांग करो। बोले दे सकते हो? बोले बताओ। बोले अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तेरे सर को अगर काट करके दे देना, फिर तो मैं रह सकती हूँ। राजा बोले एक ही बेटा, भविष्य में जो राज सिंहासन को संभालेगा, पिता माता हंसते हंसते बच्चे का सर काट सकते हैं? बोले हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तुम जाना तो तुम चले जाओ। लेकिन धर्मांगत फिर प्यार में पड़ गए। बोले पिताजी ये शरीर आपसे ही मिला, पहला कर्तव्य पिता माता की सेवा करना है, फिर ये एकादशी व्रत है, एक दिन तो मरना ही है, अगर ये एकादशी व्रत रहे ये शरीर को देख करके, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मेरे सर को काट दो। जब सर को काटने के लिए गए, इतने में वैकुंठ से साक्षात भगवान स्वयं उतर करके आ गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले रुक मांगर, रुको रुको, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले रुक मांगर, सबसे प्यारा अपना बेटा होता है, लेकिन ये एकादशी व्रत मेरा ही व्रत है, लेकिन तुमने अपना बेटे को भी तुमने तिलांजलि दी, तेरे लिए वैकुंठ से विमान आया, बैठो और वैकुंठ चलो। बोले धर्मांगत, तुम भी ये एकादशी व्रत के लिए तुम प्राण भी देने के लिए तैयारी हो गया, अभी तुम राजत्व पर पृथ्वी के ऊपर में तुम भी मेरे पास में आ जाना। अभी पाप ने बताया, प्रभु मैंने इतनी गलती काम की, मेरे को भी कोई स्थान दो। बोले एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा, ये अन्न में तुम्हारी आश्रय होगी। अभी मोहिनी बोली, प्रभु मैंने इतनी गलती काम की। बोले आप लोग ध्यान देकर सुनो, दो एकादशी आती है, एक दशमी विधा दशमी युक्त, कभी कभी तो देखना एक ही एकादशी आती है, कभी कभी दो एकादशी आ जाती है, जिसमें दशमी जो युक्त जो एकादशी नहीं करनी चाहिए, इसको करने से आपका जो फल आपको नहीं मिलेगा,
ये फल मिल जाएगी, मोहिनी को फल मिलेगी। इसलिए जब दो एकादशी आ जाए जो द्वादशी युक्त जो एकादशी व्रत को करनी चाहिए उसका विशेष विशेष महात्म है द्वादश युक्त एकादशी की। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। देखो अनजान में एक शूद्र शूद्राणी ये एक एकादशी व्रत किया तो इसका कितना फल है। अगर कोई जान बुझ करके एकादशी व्रत करे, फिर आप लोग ने आज सब एकादशी व्रत रखे कि नहीं, सबके सब रखे हो, फिर अधिक महीना है, फिर उसको बाद में फिर भागवत कथा सुन रहे हो, फिर एकादशी की महिमा सुन रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते हो ये एकादशी का कितना महिमा। इसलिए कुछ कुछ लोग कहते नहीं उद्यापना करना पड़ता, नहीं एकादशी हम लोग उद्यापना नहीं करते हैं, किसी समय से भी किसी दिन से आप ये एकादशी व्रत को आप रख सकते हो। इसलिए जो लोग पहले रखते थे वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखे ये अधिक महीना आज से सबके सब एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना, सबके सब रखोगे कि नहीं, सबके सब रखोगे कि नहीं, सबके सब एकादशी व्रत रखना, क्योंकि एकादशी का दिन अर्ण में पुराण में ये अग्नि पुराण में बताया कहते सारे पाप से तुमको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एकादशी का दिन अन्न खाने से किसी पाप से किसी तरह से किसको मुक्ति नहीं मिलेगी है, उसका इतने घोर पाप लगता है। इसलिए सबके सब एकादशी व्रत रखो और कोशिश करना निर्जला रखने का जरूरत नहीं, किसी की शुगर का बीमारी हो दिन में 2 बजे भी खा लो, 3 बार भी खा लो, 4 बार भी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी का दिन अन्न भोजन मत किया करो, अन्न भोजन मत किया करो, ठीक है ना। खाने के लिए बहुत सारी चीजें, फ्रूट क्रीम बना कर खाओ, मूंगफली खाओ, मखाना खाओ, दूध दही आलू की सब्जी, काशी फल की हलवा बना कर खाओ, कुटू का पकौड़ा बना कर। हमारा मंदिर में जो एकादशी आए ना, हमारा तो बाबा लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बोले क्यों, बोले रोज रोज एक दाल चावल रोटी खा रहे हैं, लेकिन एकादशी का दिन फ्रूट क्रीम बन जाती है, कभी कभी पकौड़ा गर्म गर्म खाते हैं, कभी कभी पूरी हाँ कुटू आटा के पूरी कभी बन जाती है। एकादशी का दिन तो बढ़िया खाना है मिलता है, ठीक है ना, खाने के लिए कोई बात ये नहीं, लेकिन कोशिश करना अन्न नहीं खाने के लिए, ठीक है। बोले श्री एकादशी व्रत की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जय जय श्री राधे। हाँ देखो हम लोग ने कितना दिन तक हम लोग ने कथा सुनेंगे, कितना दिन कथा सुनोगे, 7 दिन है, लेकिन जो 7 दिन तक कथा सुनेंगे ऐसे नहीं कथा भी समाप्त और हम भी समाप्त, नहीं, कथा से कुछ लेकर भी जानी चाहिए, है ना। 7 परिकृत महाराज को 7 दिन बाद में इनकी भगवत प्राप्ति क्यों हो गई, कारण था उन्होंने अपना जीवन में जो कुछ सुना है अपना जीवन में उन्होंने उतार लिया। इसलिए जीवन में हमें किस चीज को उतारनी चाहिए, देखो कैसे उतारनी चाहिए, बोले एक समय एक व्यक्ति की दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गया, अभी ध्यान देकर सुनो, अभी देखा तीनों मूर्ति बराबर के, बोले भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला वाला मूर्ति का कीमत है 100 रुपया, बोले दूसरा वाला, बोले इसका कीमत है 500 रुपया, बोले तीसरा वाला, बोले 5000, बोले क्यों, ये तीनों मूर्ति तो बराबर ही है, अब इतने फर्क क्यों है, बोले 3 गिलास पानी लाओ अभी आप फर्क बताता हूँ। जिसका कीमत था 100 रुपया जब उसको कान में पानी डाला ना, जिधर से डाला उधर निकले के कान, बोले ये जो मूर्ति है वो जो सुनता है वो इधर तक सुनता और उधर से निकाल कर चले जाते। अभी दूसरे मूर्ति जिसका कीमत था 500 रुपया जब उसको कान में दूध डाला ना, इधर डाला तो सीधा इधर निकले कर कान गया, बोले ये तो कथा सुनता है लेकिन इधर सुन करके इधर निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत था 500 रुपया। जिसका कीमत था 5000 रुपया जब उसको कान में दूध डाला ना, एक बूंद भी नहीं निकला, सबके सब अंदर में चला गया, बोले ये जो कुछ सुनता है वो पूरा का पूरा अंदर में ले जाता है। इसलिए हमें 5000 जो मूर्ति वाले हैं मूर्ति की कीमत हमारी बननी चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो अब हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, समझो ये जो स्टोरी है पूरा जो 7 दिन कथा सुनोगे हम यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे, अगर ये स्टोरी को अगर आप समझ गए ना, समझना 7 दिन कथा सुनना हमारा धन्य हो गया है, ठीक है ना। और इस स्टोरी को बाद में मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, मैं पूछूंगा आपको याद है कि नहीं, जो नहीं बोल पाएगा ना फिर बीच में उसको हमें खड़े कर दूंगा,
ठीक है, इसलिए मन लगा करके ये स्टोरी को सुनाओ। मतलब कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां थी? चार। जो ध्यान देकर सुनो, इतनी सी बात समझ गए तो समझ, सात दिन की कथा सुनना धन्य हो गया है। अब जो राजा की, जो राजा की जो पहला नंबर की रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को लाला कर देता था, उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कभी ये चार रानियों में देखने में सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था उसको बढ़िया गहना कपड़ा पहना करके रथ में बैठा लेता था और पूरा राज्य में सबको दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदरी है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बात को बना बना करके बोलती थी। राजा जब महल में आता था, उसको पास में बैठ करके उसका मीठा मीठा बोला बोली सुनता था और बड़ा खुश होता था। लेकिन मन की बात और किसी को नहीं, मन की बात केवल तीसरे नंबर रानी को बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी, लेकिन जब से उसने घर में शादी करके जब से लाई, उसके साथ उसने कोई भी मतलब नहीं रखा। कभी उसको पूछा ही नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आया, मरने का समय आया, संसार छोड़ेगा। देखा मेरे चार चार रानियां हैं, अभी ये चार चार रानियों से प्रश्न करता हूँ, कौन कहाँ तक मेरी साथ देती है। सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, बताओ तो बड़ी रानी कौन थी? अब कथा नहीं सुन रहे, अब इतने जल्दी सब भूल जाते हो, फिर बाद में क्या याद रखो। बड़ी रानी कौन थी सबसे? एक इसलिए मैंने पहले ये कथा सुनाया, इधर नहीं इधर सुनकर इधर निकालना नहीं, इसलिए तभी मैंने पहले ये कथा सुनाया, इसको सुन करके अंदर मिलेगा। पहला रानी कौन थी? जो राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश करता था, हैं? तो ये सबसे बड़ी रानी। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, रानी तू मेरे साथ में चलोगी? बोले तेरे साथ में मैं एक कदम भी चलने वाले नहीं। बोले क्यों? तेरे को जो मैं इतने प्यार की, जो मांगती थी वही ला करके देता था। बोले तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला। अभी दूसरी रानी से पूछा, बोले तू क्या करोगी? दूसरी कौन थी? सबसे जो सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था, रानी कितने सुंदर है। बोले तू क्या करोगी? चलोगी? बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगी, अब मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले देख मैं कितने सुंदर, बोले है तू बड़ी प्यारी, बोले जहाँ जाऊंगी वही मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी करके चली जाऊंगी। राजा को और ज्यादा कष्ट मिला। अभी तीसरे से पूछा, तीसरी कौन थी? हाँ, जिसका मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था, मन की बात बोलता था। बोले तू चलोगी? वो थोड़ी सी अच्छी दिखी। बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार ही कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगी। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं है, दरवाजे तक जाना थोड़ी कोई जाना कहते हैं। अभी उसने चौथी नंबर से पूछा, चौथी नंबर कौन थी? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर बैठा था, बेकार है, किसी काम की नहीं है, कभी पूछा भी नहीं साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। लेकिन राजा जब उससे पूछा, पहले तो सोच रहा था उसको पूछे ही नहीं, क्यों? जिसके लिए किया नहीं उसको हम क्या पूछेंगे, जिसके लिए किया तो उसको पूछनी चाहिए ना। तब भी सोचा एक बार पूछ करके देख ही लेता हूँ। बोले तू साथ में चलोगी? लेकिन वही साथ में जाने के लिए तैयार ही नहीं। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात है तुमने एक बार मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा, कभी तुमने पूछा भी नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है भी नहीं, तुमने जो कुछ किया किया मेरे लिए, लेकिन दिल से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी रहूंगी, दुख में दुखी बनूंगी, बिना खाए पिए तेरे को खाना खिलाऊंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा। हाँ देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी जीवन की सच्चाई कथा है, अब इसको अच्छे तरह से आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये कथा को आप किसी को भी सुनाओगे ना, उसका मन परिवर्तन हो जाएगा, वो प्रभु की भजन में लग जाएगा। अभी अच्छे तरह से सुनाओ। राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को ला ला कर देता था, मतलब है राजा और कोई राजा हम ही है, राजा
हम ही है जिसको अभी हम सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। वो जिस चीज की मांग करते हैं, भले ही हमें झूठ क्यों बोलना नहीं पड़े, बेईमानी क्यों करना नहीं पड़े, वो चीज को ला करके हम उसको दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा अंतिम समय आएगा, उससे पूछेंगे साथ में चलोगी, लेकिन वही सबसे ज्यादा धोखे हमें देंगे। कभी ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिसकी मन पसंद उसको चीज को लाल आग्र दे रहे हैं, कौन है? यदि ये हमारे शरीर है, ये हमारी शरीर है, सबसे ज्यादा प्रेम हम उसी को ही करते हैं। शरीर अगर बोलता है ब्यूटी पार्लर में जाना चाहता हूँ, चलो ब्यूटी पार्लर में सजा कर खिलाएंगे, बोले अमुक जगह पर गोलगप्पे बहुत बढ़िया, बोले चलो खिला कर दो, बोले अमुक मॉल में बढ़िया साड़ी मिलती, बोले चलो वहीं पर साड़ी सलवार खरीद करके लाएंगे, बोले वहां पर जीव चलो, बोले जीव में ले चलेंगे, बोले चवन प्राप्त। आप देखना ये शरीर जब जो चीज मांग करती है, भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़े, ला करके उसको मन पसंद चीज देते हैं। अंतिम समय से शरीर से पूछे साथ में चलोगी, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा बड़ा रह जाएगा। शरीर से वो परमात्मा जब चले जाए, जिस शरीर के लिए हमने इतने कुछ किया है, वो शरीर यहीं कहीं पड़ी रह जाएगी, वो साथ नहीं देती है। इसलिए हमारे भक्त कभी कहते हैं, मनसा ने शरीर मम पड़िया रही वे विहंग पतंग ताए बिहार करिए। वो संत कह रहे हैं ये शरीर का तीन परिणाम होता है, अगर जला दिया राख हो जाएगा, अगर जानवर खा गए टाटी बन जाएगा, अगर कुछ नहीं करोगे तो कीड़ा बन जाएगी, शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। ये शरीर का तीन परिणाम है, ये शरीर साथ नहीं देती। दूसरे थी जो सबसे सुंदरी, राजा जिसको दुनिया में सबको दिखाया करते थे, बोले तू चलोगी, उसने क्या बताया, मैं तो देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। कहते सबसे सुंदरी कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे बड़ा, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा पैसा कमाना कितना कठिन है, इसलिए ये सबसे सुंदरी है। जैसे राजा दुनिया को दिखाता था, मतलब क्या, बढ़िया पैसा रहेंगे, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया साड़ी पहनेंगे, हाँ? अभी पैसा से पूछे साथ में चलोगी, कहते मैं तो देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या, आज पैसा हमारे पास में, बच्चों का कहाँ नजर रहता है, पिताजी कितने प्रॉपर्टी कहाँ पर, कौन एटीएम में काम है, यहाँ कितने पैसा रखा हुआ, उनका नजर पहले ही उसमें रहता है। और ये शरीर छूटते ही ये शरीर झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, वो पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, और जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा। इसलिए वो कहती है भैया मैं दूसरे से शादी करूंगी, तेरे साथ में जाने वाले नहीं। देखो हमारे गुरु जी कहते थे किसी व्यक्ति को बोलो ना भैया थोड़ा हरिनाम कर भजन कर, बोले नहीं बच्चों के लिए पैसा कमा कर जाए ना, कुछ पैसा कमा कर। देखो हमारे गुरु जी कहते थे बच्चों के लिए ज्यादा पैसा मत कमा कर मत जाओ, बोले क्यों, बच्चा होनार होगा तो कमा ही लेगा, और जिसका पिता जितने पैसा ज्यादा कमा कर गए उसका पिता उतना नालायक उतना बर्बाद हुआ है, शराब पीना जुआ खेलना मांस खाना सारी गंदगी में, क्यों, पिता कितने कष्ट करके कमाए वो तो पता नहीं ना, दिन रात कैसे पिता बराबर करके कैसे पैसा कमाए। इसलिए गुरु जी कहते थे देखो बेटा ज्यादा पैसा मत कमा कर जाओ, बेटे को अच्छा बनाओ, बेटे को अच्छा बनाओ, उसको होनहार बनाओ, हैं? जैसे पैसा उसको पीछे पीछे घूमते रहे। इसलिए गुरु जी कहते थे थोड़ी कोशिश करो भगवान के नाम जप करने के लिए, ठाकुर जी की तरह हरिनाम करने के लिए गुरु जी कहा करते थे। इसलिए वो पत्नी गई, दूसरी गई, अभी तीसरी आई। राजा जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, हैं? जिसकी मन की बात बोलता था, बोले ये कौन है, बोले परिवार वाले हैं, जिनको साथ में बैठ करके मन की दुख सुख करते हैं, अपना मन की बात करते हैं। पहला नंबर आई पत्नी की, पत्नी से पूछा पत्नी चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तो चलूंगी, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती। परिवार वाले से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया आरती सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ तक, बोले श्मशान तक ले जाएंगे, बोले फिर, बोले वही जला करे टाटा करते करते वापस आ जाएंगे, बोले आगे, बोले आगे और नहीं चल सकते। हाँ अभी ध्यान करो, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया, एक बार पूछा भी नहीं देखा भी नहीं, लेकिन अंतिम समय जब आया उसको पूछा केवल वही जानने के लिए तैयार है। कहते ये कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके रखे,
यदि भगवान की भक्ति और भगवान की नाम, किसी व्यक्ति को बोला था नाम जब कर पेट भरेगा, जिसका कोई काम धाम नहीं है ना, उसे माला लेकर हरे कृष्ण करते। हमारे बहुत सारे काम, टीवी देखना, फिल्म जाना है, हमारे क्लब में जाना, बहुत सारे काम है हमारे, यहाँ पर उसे कोई समय नहीं। अब देखना जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते, जोर से बोलो, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलते ना। बोले बेटा जितने प्रभु का नाम लिया ना, जितना राम का और कृष्ण का नाम लिया, तेरे साथ में वही जा रहा है। और तुमने जो कुछ किया केवल झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ यहाँ नहीं जा रहे, सब यही छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल धीम रे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। उसको बाद में कहती है ये धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दीन दीन भड़त सभा। जो धन को कोई नहीं ले सकते है, जो धन केवल बढ़े बढ़ती रहती है, जो धन कभी घटती नहीं है। इसलिए मीरा दूसरे भजन में गाती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाम गली गली, राम नाम के हीरे मोती, जिन जिन ने यह मोती लूटे सो माला माल हुई, लेकिन माया का जो बने पुजारी आखिर वो तागाल हुई है। इसलिए असली धन कौन बता दो, कौन सा स्त्री, चार स्त्रियों में कौन सा स्त्रियों को ज्यादा प्रेम करनी चाहिए, कौन सा वाली, कौन सा वाली, यहाँ पे कुछ बैठे हुए कुछ उनका मुंह नहीं बोल रहे। देखो मेरे गुरु जी कहते थे, मेरे गुरु जी कहते थे, मानो आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, ये हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, अभी हमारी शरीर छूट जाएगी, बताओ यहाँ से कितने पैसा जाएगी, नहीं जाएगी ना। हमारे गुरु जी कहते थे मानो नेक्स्ट जीवन में तुम्हारे नेक्स्ट घर में जन्म हुई, लेकिन इतने गरीबी घर में जन्म हुआ, कोई तो पता नहीं ना कर्म कैसे किया है, तुमको रोटी तक भी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम्हें याद है ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये दुकान वकान सब मेरे हैं, तुम्हें याद है, जाकर के अपना बच्चे से बोलो, पत्नी से बोलो, पहले जीवन में ये दुकान वकान मैंने ही कमाया था, सब मेरा ही था, लेकिन इसी जीवन में रोटी नहीं, पत्नी से बच्चों से बोलो, बताओ वो देंगे कि नहीं आपको, क्यों नहीं देंगे, तुमने कमाया, केवल चूल्हा ही तो बदल गया और तो कुछ नहीं, पत्नी तो टंटे लेकर मारने आएगी तुम्हें, बच्चे थप्पड़ मारे बोले पागल, और बाप बन रहा है। देखो ये धन कमाते कमाते अगर शरीर छूट गई, यहाँ से एक पैसा छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन ऐसे कौन सा धन है जिसको इसी जीवन में लुटते लुटते अगर जाओगे ना, अगले जीवन में तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम्हें ब्याज समेत मिलेगा, उतना तो मिलेगा लेकिन ब्याज समेत मिलेगी, वो कौन सा धन है। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। इसलिए मीरा कहती है ये भगवान के नाम रूपी धन। इसलिए देखो हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे आप लोग कुछ बम्बे से कहाँ से आए हो, कुछ कलकत्ता से आए, कुछ बम्बे से, कुछ कुछ लोग आए, कितना दिन के लिए आए हैं, 7-8 दिन के लिए आए, 7-8 दिन के लिए आए, जैसे वहां से 7-8 दिन के लिए यहाँ यात्रा की। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर दो, जैसे वहां से यहाँ 7-8-10 दिन के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन जब कहीं यात्रा करते हैं, हमारा पास में ऐसे कौन सा धन हो, जब हम यात्रा करते हैं हम बड़े खुश होकर के यात्रा करेंगे, भले ही हमारे पास में कोई चीज नहीं, लेकिन कौन सा एक चीज हमारे पास में रहे, जब यात्रा करते समय ना हम हंसते हंसते यात्रा करेंगे, बता सकते हो कौन सा चीज है, कौन सा चीज है, आप कोई आंसर सही नहीं दे पाए, क्या बताओ कौन सा धन है, नहीं आप लोग, मैं जो प्रश्न किया प्रश्न का उत्तर देना, जैसे तुम लोग अपना घर से यहाँ पर आए हो, 7-8 दिन के लिए यहाँ यात्रा करके आए, यात्रा करने के लिए आए 8-10 दिन के लिए, ऐसे कौन सा तुम्हारे पास में वस्तु हो, जब घर से यहाँ यात्रा के लिए निकले ना 8-10 दिन के लिए, बड़े खुश होकर यात्रा करोगे, कौन सा वस्तु है, कैसे पैसा, ये क्या है, कैसे ये पैसा है, अगर आपके पास में, अगर आपके पास में पैसा होना, पकेट अगर गर्म है तुम्हारी, पकेट गर्म है,
बड़े खुश होकर जाओ, तुम्हारे पास में कुछ नहीं, कोई कपड़ा फपड़ा कुछ भी नहीं तुम्हारे पास में, लेकिन तुम्हारे पकेट घर में पैसा है। अपने खुश होकर के आओ। बोले क्यों? बोले बड़ी पैसा है ना, बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे, कपड़ा भी खरीदी कर लेंगे, बढ़िया होटल में रहेंगे, खाएंगे, क्यों पैसा है ना। देखो हमारे गुरु जी की चीज को समझो, गहरा रूप में समझो। केवल 8-10 दिन के लिए यात्रा में पहले हम देखते हैं हमारा पकेट गर्म ना नरम है, लेकिन एक दिन हमें यात्रा ऐसे एक यात्रा होगी जो अंतिम यात्रा, वो यात्रा सबको करना, अब कब करना पड़ेगा कोई नहीं बता सकता है। हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी वो श्वास ले पाएंगे कोई नहीं बता सकते हैं, इसलिए वो यात्रा हमें किसी समय भी करना पड़ जाएगा हमें, और करना ही है। कह रहे हैं ऐसे कौन सा माल हमारा पास में हो, धन हो, अंतिम समय में प्रसन्न होकर के जाएंगे। इसलिए कबीर ये बात वो कह रहे हैं, बोले जगत में सब मरने के लिए डरते हैं, जगत में सब मरने के लिए सब डरते हैं। कबीर कहते क्यों डरते हैं मरने के लिए? बोले जानते हैं जिंदगी भर हमने भजन नहीं किया, डंडे मार मार करके जमदूत नरक ले जाएंगे हमें, क्यों हमने भजन नहीं किया। लेकिन कबीर कहते भैया मैं तो बड़े खुश हूँ। किसने पूछा भैया मरने के लिए सब डरते तो खुश क्यों? बोले जिंदगी भर, वो कहते हैं जिंदगी भर हमने भगवान के नाम रूपी हमने धन कमाया है, जिंदगी भर हमने प्रभु का भजन किया, हमने हमें पता है हमारे लिए VIP व्यवस्था होगी, वैकुंठ से रथ है क्या, रथ में बैठ करके भगवान को पास में जाएंगे, हम तो खुश हो रहे क्यों, हमने जिंदगी भर प्रभु का भजन किया। इसलिए कबीर कहते हैं भैया जीवन में ऐसे धन कमाओ, यहाँ तक रहने के लिए बड़े सुंदर मकान दुकान बना दिया, लेकिन कभी क्या हम सोचते हैं इसको बाद में जब जाना पड़ेगा वहां का 8 फुट स्क्वायर कैसे होगा, कोई क्या कभी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। इसलिए मीरा कहती है भैया अगर भगवान के नाम रूपी धन कमाओगे ना, इसी जीवन में तो ये तुम्हारे साथ में रहेगा और अगली जीवन में इसकी ब्याज साथ में तुमको मिलेगा, फिर जगत में तुम्हारी नाम ही नाम होगा, जैसे मीरा का नाम हो रही है, तुलसीदास का नाम, श्री हनुमान जी का नाम, देखो जगत में अमर हो गया ना, क्यों अमर हो गया? जीवन भर प्रभु की उन्होंने नाम रूपी धन को कमाया। अभी आप लोगों को बताओ चार जो स्त्रियों में सबसे कौन सा स्त्री को हमें जत्न करनी चाहिए, कौन सा स्त्री को? हाँ, सबसे छोटी चीज स्त्री को। इसलिए हम पहले सुनाया था महाप्रभु को, जब भक्तों लोगों ने बोले प्रभु हमारे घर में निमंत्रण है, महाप्रभु बोले देखो सबके घर में खाना नहीं खाता। बोले किसको घर में खाओगे? बोले जो लखपति बनेगा। बोले प्रभु कभी तो लखपति बन ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, क्या फिर भजन नहीं करोगे? महाप्रभु समझाए जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोज आना जो 1,00,000 हरि नाम करते। महाप्रभु का भक्त इतने प्रसन्न हो गए, अब देखना हमारे यहाँ पर जो भक्त लोग बैठे हुए ना सबके हाथ में माला है, सब जब जो अंग्रेजी जो अंग्रेज लड़कियां भी आई आप देखो उनका हाथ में उनको भी बैठ कर माला जो कर ले, ये सब के सब माला, इनको पता है यही धन ही हमारी काम में आने वाले, और कोई धन भी यहाँ से हमारी काम में आने वाले नहीं है, इसलिए ये सब के सब माला जो कर रहे हैं सबके सब। अब देखो मेरे तरफ में पहले एक बार समझाया, आज एकादशी है, कुछ कुछ भक्त मेरे को बोल रहे थे बोले महाराज हम माला जप करना चाहते हैं, हम के माला दो, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। हाँ, जो लोग माला लोगे कैसे जप करके देखो आप कैसे लखपति बनोगे, जैसे इसमें 108 मोती है, ये जो माला जप करते हैं आप अच्छे तरह से देख लो, बात फिर नहीं समझाऊंगा, ये अंगुलों को हम बाहर निकालते हैं, क्यों? ये अभिमान अहंकार ये सबसे पहले निकलता है, तेरे को हम देख लेंगे, हाँ सबसे पहले ये अंगुल निकलता है, इसलिए ये अंगुलों को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर में यहीं से जप करते हैं, एक मोटी है और एक छोटी है, ये मोटी मतलब भगवान की बड़ी बड़ी गोपियां हैं, ये छोटी मतलब ये छोटी छोटी गोपियां हैं, और ये बीच में ये राधा कृष्ण का रूप है, माना इनको बीच में रख करके ये रास कर रहे हैं, ये माला नहीं, ये माला रूप में ये भगवान कृष्ण स्वयं ठाकुर जी, जैसे इसको जप करते हैं ना, जैसे मेरे साथ में सबके सब बोलना, पहले मैं बताया ना अमिताभ बच्चन बोलता था करोड़पति कौन बनेगा, कौन करोड़पति बनेगा कौन, इसलिए महाप्रभु कहते लखपति कौन बनेगा, इसलिए मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार बोल करके दो मोती, देखो 1,00,000 कैसे होता है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 बार हो गया। एक बार जब एक मोती सहताए इसमें 108 है। जैसे यहाँ पर हो जाए तो इसको पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण का स्वरूप है। फिर ऐसे घुमा देनी चाहिए, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से फिर इसको जप करनी चाहिए। अगर ऐसे 16 माला जप कर लिया ना, वो हो गया 25,000। अगर 64 माला कर लिया तो हो गया 1,00,000। कि भगवान कहते हैं 1,00,000 माला नहीं किया, 1,00,000 रुपया तुम्हारे बैंक में फिक्स डिपोजिट हो गई। बोले ब्याज कितना मिलेगी? बोले दीन दीन बरकस। आज 1,00,000 माला किया ना, कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी, फिर 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000। मतलब इतने जल्दी ये धन इतने जल्दी बढ़ती है, हैं? और यही धन ही अंतिम समय में पूरा पूरा ब्याज समेत तुम्हें यही धन हमें प्राप्ति होगी। इसलिए आज एकादशी है, जिनकी इच्छा होगी हम माला जब करेंगे हम एक माला देंगे। हाँ, कोई व्यक्ति गले में तुलसी की कंठी मांग रही थी। पहले मैंने तुलसी कंठी की महिमा बताई, ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, भगवान की निवास ये तुलसी कंठी में। जब महाराज कहते हैं जिनके कंठे में तुलसी कंठी वो कभी जमपुरी नहीं आएगा। जब जमदूत को बोले जो भजन नहीं करते हैं ले आओ, बोले पता कैसे चलेगा? मैंने आपको बताया था, जब महाराज बोले दो तरह के कुत्ते, एक पालतू कुत्ता एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते उनको गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर के कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को भी मारता नहीं और फालतू को भी छोड़ता नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं, क्या बननी चाहिए? भगवान की फालतू बननी चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए। देखो हम तो हिंदू लोग हैं, हम तो हिंदू, हमें पता है संस्कार। लेकिन तभी अंग्रेजी लोग को देखो सब जब पीछे कुछ अंग्रेजी लड़कियां बैठे, कुछ लड़के बैठे, ये लोग भी तुलसी की महिमा समझ करके ये भी गले में तुलसी की माला धारण करते। इसलिए लेकिन माला धारण करने के लिए एक नियम है, हम मांस मछली अंडा यहाँ तक भी प्याज लहसुन खाना पड़ेगा, प्याज लहसुन भी खानी नहीं चाहिए। इसलिए जो प्याज है भागवत में कथाती है ये राक्षस की मांस से सृष्टि हुई है, और दूसरे पुराण में आई ये गैया की मांस से और हड्डी से लहसुन प्याज बना हुआ है। इसलिए नवरात्र रखते होंगे देखना, 9 दिन तक कोई इस चीज को खाते नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। इसलिए ये चीज को अगर जो छोड़ दोगे फिर वो लोग भी गले में तुलसी कंठी आप लोग ले सकते हो। मेरे को कोई भी मांग रहे थे, मैं तुलसी कंठी लाया हूँ कथा को लास्ट में, जिसकी इच्छा होगी आप तुलसी कंठी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम बैठ करके एक माला जप करेंगे। ठीक है, भागवत का यही सार है। ये माला दे दो, तो माला दे दो, जिनको पास में है आप रख लेना, जिनको पास में नहीं वो लोग लेना। और अभी नहीं, कथा को बाद में ये माला जप करके मेरे को वापस दे देना। कथा को बाद में जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करते करना चाहते हैं फिर आप माला ले सकते, फटाफट दो। जिनको पास में नहीं उनको देना, पीछे पीछे ले लो। फटाफट क्या कर रहे हो? दो फटाफट दो, एक दो माताएं खड़ी हो जाओ तो देकर दे दो। ओ हरे कृष्ण प्रीति दीदी, मैंने एक कृष्ण रुक्मिणी बना सकते हो किसको? तुम्हारी बेटी को जैसे रुक्मिणी बना दो, बेटी है ना तुम्हारी, अब तुम कोई मुकुट होगा तो पहन कर तुम कृष्ण बन सकते हो। जब 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 इन लोगों ने शर्मिला शर्मिला दीदी कहाँ गई? तुम किसको बनाया? कितना भी काम नहीं करते, कितना लड़कियाँ है किसी लड़की को बना सकते हो। जाओ कृष्ण के लिए लड़की को बनाना, कपड़ा क्या तुम्हारा बात नहीं, पीला पीला साड़ी नहीं, पीला साड़ी को तबरे है तो क्या वो उसको क्या वो करके ले जाओ। तुम अपना बेटी को ले जाओ प्रीति दी, तुम अपना बेटी को ले जाओ, बेटी को लेकर ना राधा बना दो, तुम कृष्ण बन जाओ, जब तुम अपना घर ले जाओ। देखो ये सुंदरी है, ये सुंदरी राधा रानी को रुक्मिणी को वोट देना। जब तुम इन घर में जाओ, इन घर में बहुत सारी वस्त्र है, तुम्हारी बेटी को बोल देना कुछ वस्त्र दे दो, राधा रानी की प्रसाद है। तुम्हारी बेटी को बोल दो जाओ उसको दे आओ, तो जाओ जाओ कृष्ण रुक्मिणी बना। हरे कृष्ण हरि बोल, सबको माला मिल गया ना? हाँ, अभी सबके आप तो एक वृंदावन में बैठे हो, आप तो वृंदावन में बैठे हो, इसलिए सबके सब आँख बंद कर लो, सबके सब आँख बंद करके समझो हम श्री ठाकुर जी की चरण में हम बैठे हैं, हैं? ठाकुर जी की चरण में बैठे हैं। मतलब क्या चाहिए? हाँ, दे दे।
इन्हीं पर कैसे मैं माला ले आकर गली में देखूँ एक दे दो बाद में वापस दे जाऊँ हाँ कठी कथा के बाद में आगे नहीं अभी जब कथा समझे ना एक माला ले देंगे हरे कृष्णा सबके सब आंख बंद कर दो और सबके सब हरिनाम करना जो नहीं करेगा ना सबका पाप जो हरिनाम करेगा उनका सर के ऊपर सारे पाप हो जाएंगे लेकिन बैठेगी कहाँ पर जो हरिनाम नहीं करेगा इसलिए सबके सब मेरे साथ में बैठो देखो हम करी करी यहाँ कितने भक्त सौ भक्त बैठोगे लेकिन माला तो आप एक करोगे लेकिन फल कितना मिलेगा सौ भक्तों का फल मिल जाएगा फल क्यों सबके सब हरिनाम करेंगे उनका नाम सभी के कान में पड़ेगा सभी को कान में ये नाम पड़ेगा इसलिए आपको सौ माला मतलब आपको आज 125,000 रुपया बैंक में आपको फिक्स डिपोजिट होने वाले हैं इसलिए सबके सब आग बंद कर बैठो अरे मेरे साथ में जप करो हाँ और ये नाम जप करने से पहले एक नाम करना पड़ता है जिस मेरे साथ में बोलो बोले श्री कृष्णा बोलो सबके सब चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद दो चार माला दे दो चार माला वापस देना हरे कृष्ण सबके सब मेरे साथ बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे